मंगलवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तस्वीर हो सकती है साफ। महाराष्ट्र में एक और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और दूसरी ओर शिवसेना, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। इस बीच सोमवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात होगी। हालांकि मंगलवार को प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद नजर आ रही है। पुणे में रविवार को एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी नेता नवाब मलिक ने कहा कि जब से हमने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, हमने तय किया है कि कोई भी कदम कांग्रेस से सलाह लेकर ही बढ़ाएंगे। कल हमारे नेता शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मिलेंगे। सोमवार को शरद सोनिया की बैठक के बाद कांग्रेस और एनसीपी के नेता मंगलवार को एक साथ बैठेंगे और राज्य में सरकार बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक हुई। माननीय शरद पवार जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष महोदय जयंत पाटिल जी, विधायक दल के नेता अजीत पवार जी और सभी महत्वपूर्ण नेता उसमें उपस्थित थे। कुल मिला के महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है उस पर गहन चर्चा की गई, राजनीतिक परिस्थिति पे चर्चा हुई और हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म कर जल्द से जल्द कोई पर्याय सरकार निर्माण होनी चाहिए। हम लोग पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। निर्णय हुआ है कि अगला निर्णय जो भी है कांग्रेस के साथ चर्चा करके लिया जाएगा और कल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब के बीच में कल बैठक होगी और परसों हमारे नेता और कांग्रेस के नेता साथ में बैठेंगे और चर्चा करके कोई पर्याय सरकार महाराष्ट्र में निर्माण हो इसके बारे में निर्णय होगा।